from Om Beach. Right now we are at Om Beach. It's 12 p.m. in the noon, and we just trekked from our hotel to this Om Beach, and now we are planning to go to Paradise Beach next. So I think many of you must be knowing, but the Om Beach has its name because when you see it from above, see it from the aerial view, you see the shape of Om here. So that is why we call it Om Beach. So अभी मैं ड्रोन उड़ाऊंगा एंड देन हम देखेंगे कि वो ओम का शेप कैसा है एरियल व्यू के साथ. हम ओम बीच पे तकरीबन आधा घंटा या 45 मिनट्स के अराउंड रहे होंगे. दो पार्ट में हैं, हमने पूरा कवर कर लिया. अभी हम निकल रहे हैं हाफ मून बीच के लिए. ओम बीच से हाफ मून बीच की जो ट्रैक है वो तकरीबन 3 किलोमीटर के अराउंड है, 3-3.5 के अराउंड है, और 30 मिनट्स यहाँ से लगता है. अभी हम उस ट्रेल पे हैं जो हमें ओम बीच से हाफ मून बीच पे लेके जाती है और पैराडाइज बीच पे लेके जाती है. ये ट्रेल बहुत ही अच्छा है, ऑसम है जिसको आप कह सकते हैं. और इसके बाद यहाँ से ओम बीच से पैराडाइज और हाफ मून के आने का दो रास्ता है. एक तो आप बोट ले सकते हैं जो आपको पूरे सी के थ्रू आपको पैराडाइज बीच पे ड्रॉप करेगी. दूसरा तरीका है जो आप ट्रेल ले सकते हैं, जो हम ले रहे हैं अभी ट्रैकिंग कर रहे हैं. मेरे हिसाब से ये रास्ता ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपको समंदर के किनारे किनारे जो ट्रेल है उस पर लेके आता है और आप पूरे जंगल के बीच से होते हुए जाते हैं, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस इस पर. तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर है. थ्री 30 इन द नून और हम ओम बीच से ट्रैक करके हाफ मून बीच पे आ गए थे. इसके बाद आगे यही रास्ता जो है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये रास्ता जाता है पैराडाइज बीच की तरफ, बट हम पैराडाइज बीच नहीं जा रहे हैं अभी. वी आर हेडिंग बैक टू होम ओम बीच एंड देन वहाँ से हम अपने घर पे जाएंगे. सबसे अच्छी बात हाफ मून बीच की ये है कि यहाँ जो पानी है वो काफ़ी क्लीन है और पूरा एक बेड बना हुआ है जहाँ पर आप जाके आराम से बात ले सकते हैं. एक पूल की फीलिंग आएगी आपको, भीड़ भी कम होता है, पानी भी साफ़ है. तो अगर आपको पानी में डिप करके स्विम करने या ऐसा कुछ का मन है तो आप मेरा सजेशन ये रहा कि आप हाफ मून बीच पे आएँ और यहाँ पर आके अपना स्विमिंग करें पानी में. मेरे पीछे ये सारा हाफ मून बीच के रॉक्स. यहाँ खाने का थोड़ा सा इशू है, कैफ़े एक या दो ही हैं या 2-3 कैफ़े हैं जहाँ आप खा सकते हैं, लिमिटेड ऑप्शन है, बट ठीक है क्योंकि अब नाउ विल बैक विल गो बैक टू ओम बीच. इसके बाद ये जो हमें वापस जाने का रास्ता है ये उसी ट्रक के थ्रू आना होगा जो माउंटेन्स के बीच से होता है. हम वही ट्रक फॉलो करेंगे. अभी 1-2 या 3 घंटे लगेंगे अपने घर तक पहुंचने में.